नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबिता। यूपी में दंगाइयों पर लगातार कार्रवाई जारी है, वहीं इन दंगाइयों को बचाने के लिए सपा के नेता इनकी पैरवी करने पहुंच रहे हैं। यूपी में जिस तरह से हिंसा भड़की, उससे माहौल काफी तनावपूर्ण है। पुलिस भी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दंगाइयों की धरपकड़ कर रही है, लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो इन उपद्रवियों के नेता बनने की कोशिशों में लगे हुए हैं। ऐसा ही एक मामला आया है मुगलपुरा इलाके से, जहां दंगाइयों पर पुलिस की कार्रवाई के चलते सपा विधायक इन दंगाइयों को बचाने के लिए थाने पहुंच गए। फिर क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में बीते दिनों मुगलपुरा थाना इलाके में हुए हंगामे के बाद पुलिस ने 25 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक कमाल अख्तर भी शनिवार रात उपद्रवियों की पैरवी करने थाने पहुंच गए। इस दौरान कमाल अख्तर अपने समर्थकों के साथ पुलिस लाइन में जा धमके, जहां पर पुलिस ने वीडियो के आधार पर उपद्रवियों को चिन्हित करके आरोपियों को गिरफ्तार किया था और उसके बाद सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कराकर पुलिस लाइन मुरादाबाद ले जाया जा रहा था। इसी बीच अचानक से सपा के विधायक अपने समर्थकों के साथ दंगाइयों का समर्थन करने पहुंच गए। इस दौरान विधायक ने उपद्रवियों से मुलाकात करने की भी कोशिश की, लेकिन वहाँ पर मौजूद डीएसपी महेश चंद्र गौतम ने विधायक को पुलिस लाइन से बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया। डीएसपी के सपा विधायक और उनके समर्थकों को पुलिस लाइन से बाहर निकालने के बाद सपा विधायक अपने समर्थकों के साथ 9-2-11 हो गए। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि जिन दंगाइयों ने देश के माहौल को खराब करने की कोशिश की हो, राज्य में इतनी अराजकता फैलाई हो, उनका साथ देने के लिए सपा नेता थाने पहुंच रहे हैं। जबकि सपा नेता हो या फिर कोई भी पार्टी, हर किसी को पुलिस की इस कार्रवाई में उनका साथ देना चाहिए था, ना कि दंगाइयों की वकालत करनी चाहिए। लेकिन इसके बाद से ही समाजवादी पार्टी की मानसिकता साफ तौर पर समझी जा सकती है कि ये पार्टी किस तरह से देश में दंगे और दंगाइयों को बढ़ावा दे रही है। देश में हिंसा फैलाने वालों और मासूम लोगों को टारगेट करने वालों पर सीएम योगी काफी सख्त हैं। सबका हिसाब किया जा रहा है, लेकिन इसी बीच जिस तरह से अन्य पार्टियां दंगाइयों के समर्थन में आगे आ रही हैं, इससे दंगाइयों को भी ताकत मिल रही है। अगर इसी तरह पार्टियां दंगाइयों का साथ देगी तो सरकार को ऐसे लोगों पर भी सख्त कार्रवाई करनी ही चाहिए। आप देखते रहे कैपिटल टीवी। नमस्कार।